प्यारे सवेरे में आपका स्वागत है। और आज बना रही हूँ मिक्स सब्जी, जिसके लिए लिए है मैंने दो छोटे छोटे बैंगन, छोटा सा गोभी का टुकड़ा, गाजर, सेम की फली, शिमला मिर्च, हरा चना, मटर थोड़ा थोड़ा लिया सब, छोटा सा मूली का टुकड़ा, फूल गोभी, और ये एक आलू कट किया है मैंने। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा दिखाती हूँ आपको। और एक कट किया है टमाटर, देसी टमाटर है तो एक ही बहुत है ये हमारे लिए, क्योंकि खट्टा होता है देसी टमाटर। इसमें डालने के लिए लिए है मैंने अपने सिंपल से मसाले, इसके छोंक लगाने के लिए लिया है मैंने एक तेज पत्ता, कुछ काली मिर्च के दाने, जावित्री, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और दो लौंग, और लिया है मैंने एक चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा पौना चम्मच मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और देसी घी में जो सब्जियाँ बनती हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है, खाने में अपने आप टेस्टी लगती हैं वो। इसमें डाल दूंगी मैं लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची और ये काली मिर्च के दाने। इनको थोड़ा सा सिकने के बाद इसमें डाल दूंगी ये जीरा और ये हींग। जीरा हमारा हो गया है, अब डाल दूंगी इसमें टमाटर। टमाटर को हम भूनने देंगे, और जब तक भूनने देंगे जब तक हमारा भूनने के बाद ये घी ना छोड़ दे। ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री और दालचीनी मैंने निकाल दी है, क्योंकि उसकी खुशबू उसके अंदर हो चुकी है। सिर्फ काली मिर्च और लौंग को मैंने छोड़ा है इसमें, और जब तक भूनूंगी मैं इसको जब तक ये घी अच्छी तरह से ना छोड़ देगा। टमाटर हमारे भून चुके हैं और गैस को कर दिया है सिम। अब सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर हल्दी ताकि भुन जाए खूब अच्छे से, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, ये गरम मसाला, सभी चीज़ें मैंने इसको डाल के इनको भून लेंगे। मसाला हमारा भून गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से भून गया है। मसाला भूनने के बाद भी घी छोड़ दिया है इसने। अब ये सारी सब्जियां ऐसे कैसे मैं इसमें डाल दूंगी। बैंगन को हमने पानी में काट कर रखा था, क्योंकि नहीं तो काले पड़ जाते हैं बैंगन। बाकी सब्जियां मैंने धो के साफ करके कट कर ली थी, और अब ये सीधेगी, बहुत सिम गैस पे बनेगी सब्जी हमारी, बिना पानी के बनेगी सूखी सब्जी। अब इसको मैं ढक कर रख दूंगी। कुछ इसका ढक्कन नहीं लगाया है हमने, कुछ देर हमारे प्लेट से ढक के, और वही मेरा तरीका, पानी रख देंगे इसके ऊपर ताकि, और सिम गैस कर देंगे ताकि हमारी सब्जी जले नहीं। सब्जी को कर लेते हैं चेक एक बार, देखो हमारी सब्जी बिल्कुल नहीं लगती है पानी ढकने से, और एकदम सूखी बनेगी सब्जी। अभी थोड़ी कसर बाकी है, अभी फिर ढक के रख देंगे इसको हम। हमारी आधी सब्जी पक गई है, अब ये ढक्कन लगा दूंगी और गैस को कर दूंगी मैं सिम। और साथ में आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की कचौरियाँ। तरीका वही है मेरा, लेकिन आज मैंने जो इसका कचौरी का आटा लगाया था वो लगाया था थोड़ा सा टाइट, या पूरी बोल लो या कचौरी बोल लो। एक बार तेल को गर्म कर लिया है हमने, फिर बाद में इसको धीरे से कम कर देंगे।
देखिए हमारे गेहूं के आटे की कचौरियाँ भी कितनी फूल कर ऊपर आई हैं ये, और बहुत ही खस्ता बनेंगी ये भी, चाहे आप गेहूं के आटे से बनाएं चाहे मैदा से बनाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे बनाएं। इसकी रेसिपी मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैं इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल, और अभी इसमें हरे धनिए से गार्निश कर देंगे, और इसमें लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी अब, जिसको हथेली से मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। इसको खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सब्जियों में। सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और इस पे डाल देंगे हरा धनिया, और हमारी सब्जी मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।